जी भाई, तो ये टाइमर है, लाइट टाइमर है, इसको रिप्लेस करने के लिए। ये मेरे पास दूसरी टाइप का टाइमर है, तो इसमें कनेक्शन थोड़े डिफरेंट थे, इसमें थोड़े डिफरेंट है। तो अगर आपने रिप्लेस करना है तो ये टाइमर है हमारा, कौन सी कंपनी का ये, कौन सी कंपनी का ये, हैगर कंपनी। तो यहाँ पे जो टाइमर आ रहा है, ये जो नीचे वाले है ये ऑफ पोजीशन में है, ऑन पोजीशन में जो ऊपर है ये ऑफ पोजीशन में है ना। तो इसमें तकरीबन 6:30 से, रात को 6:30 से 5:30 तक ऑन है, ऑन कंडीशन में है। तो उसकी वायरिंग देख लेते हैं। ये हमारा फेस आ रहा है डायरेक्ट येलो कलर में, यहाँ पे ये जा रहा है कॉन्टेक्टर में, ये कॉन्टेक्टर है हमारा, मैग्नेट कॉन्टेक्टर। तो यहाँ से उसने उससे लूप लेके यहाँ पावर दे दिया, और कॉन्टेक्टर की 220 पावर है इसकी, टाइमर की, न्यूट्रल की रिटर्न जो है इसमें। टाइमर की 220 पावर है। और यहाँ से उसने लूप किया है फेस को 3 नंबर पे, और ये ऑन होगा तो ये 2 नंबर को कनेक्ट कर देगा टाइमर। 2 नंबर से हमारे पास ये जो आगे कॉन्टेक्टर यूज हो रहा है लाइट के लिए, उसके A1 में लगा दिया उसने। तो इसमें ऐसा ही है, इसमें हमारे पास जो है कॉइल वोल्टेज है 2 नंबर और 1 नंबर, नहीं और दो नंबर में हमने फेस लगाना है और 1 नंबर में हमने न्यूट्रल लगाना है, और 2 नंबर को 4 नंबर के साथ हमने लूप कर देना है। जब टाइमर ऑन होगा तो 4 नंबर 3 नंबर को कमांड देगा और उसकी आउटपुट निकलेगी। तो अभी मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ चेंज करने के बाद। जी भाई, तो ये कनेक्शन कर दिए हैं हमने, यहाँ पे ये 2 नंबर में फेस लगाया और 1 नंबर, 2 नंबर को 4 नंबर के साथ लूप किया, क्योंकि 4 नंबर में हमें 3 नंबर से कॉन्टेक्टर के लिए फेस चाहिए थे A1 के लिए, और ये नीचे जो है 1 नंबर में हमने न्यूट्रल यूज किया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये 2 नंबर पे फेस है, 1 नंबर पे न्यूट्रल है, 2 को 4 के साथ कनेक्ट किया, और जो हमें आउटपुट चाहिए वो 3 नंबर से है। तो इससे हमारा जो है ना ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और हमारी जो है ना आगे से लाइट ऑन हो जाएगी।